नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। पिछली बार मैंने आप सबों को एक अद्भुत नज़ारा दिखाया था, प्रकृति का हरा भरा नज़ारा, गांव, पोखर, नदी, नाला। आज मैं फिर से आप लोगों को एक ऐसे लोकेशन पर लेकर आया हूं जो सुदूर गांव ग्रामीण इलाके में है, लेकिन बहुत ही अनोखा है, बहुत फेमस है। लगभग 9 से 10 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज जो कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, भेजा ओवरब्रिज कहलाता है। विशेष जानकारी मैंने अभी नहीं ली है, यहाँ के ओवरसियर इंजीनियर नहीं है, संडे की वजह से लोग छुट्टी पे गए हैं, लेकिन जो हल्की फुल्की जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार मैं अभी स्टार्टिंग में खड़ा हूँ इस ओवर ब्रिज के। ये प्लांट जो ओवर ब्रिज की तैयारी हो रही है, वहाँ के जो सारे प्लांट हैं, मशीन हैं, सीमेंट, गिट्टी, बालू मिलाने का, ब्रिज को बनाने के लिए जितनी मशीनरी का इस्तेमाल होता है वो सारी मशीनरी यहाँ मौजूद है। मेरे पीछे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस जगह से इसलिए मैंने शुरुआत की है इस ओवर ब्रिज की कि यहीं से सारा मटेरियल तैयार होता है। ये सारी मशीनें यहाँ पर हैं और इस जगह पे इंजीनियर, ओवरसियर और गार्ड वगैरह है, गाड़ियाँ हैं, सारा मटेरियल यहाँ से तैयार होके ओवर ब्रिज का जाता है। कब तक बन के ये तैयार होगा ये तो सरकार को डिसीजन लेना है, लेकिन मैंने बहुत चर्चा सुनी इस जगह की तो मैं यहाँ चला आया। तो ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया जहाँ तैयारी होता है माल मसाला मटेरियल इस ब्रिज को बनाने के लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भेजा का जो ये ओवर ब्रिज है, इस ओवर ब्रिज की जो शुरुआत है, पहली शुरुआत जो पश्चिम जानिब से है और इधर ही से मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों को दिखाने का। और आप देखें हमारे इस चैनल एडीबी न्यूज 7 पर पहली बार इस ब्रिज को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये अनोखा होगा, हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में सबसे अनोखा होगा। जब बन जाएगा तो हिस्ट्रिकल पैलेस, हिस्ट्रिकल ओवर ब्रिज कहलाएगा ये। अभी इसके बारे में मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा कि इसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या है, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है 9 से 10 किलोमीटर लगभग लंबा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा नज़ारा देखिए। फिर मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पीछे देखिए ये ब्रिज की शुरुआत है, ब्रिज का पहला छोर है। मैं ऊपर चढ़ के कोशिश करूंगा दिखाने का। यहाँ टीला नुमा बना है, नई मिट्टी है, भराट है और इस पे चढ़ता हूँ मैं। ये देखिए मेरे पीछे से आप देखिए और फिर मैं सामने से भी दिखा दूंगा। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा दोनों से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों को मैं सामने से दिखाता हूँ। ये देखें, सारा सामने से आप देखें, ये सामने से मैं दिखा रहा हूँ। ये ओवर ब्रिज देखिए, ये शुरुआत है, यहीं से बनना शुरू हुआ। यही डिपू मैंने आपको दिखाया जहाँ से मटेरियल तैयार होता है, यहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं। आज संडे की वजह से बंद है। और यही है भेजा ओवर ब्रिज जो बहुत मशहूर है, कई दिनों से मैं नाम सुन रहा था। छुट्टी आज मिली है थोड़ी तो मैं भी आया और आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरे ओवर ब्रिज के पिलरों को दिखाऊंगा, जितना पिलर तैयार हुआ है। और धीरे धीरे बारी बारी से आज इस चैनल पे आप भी शायद यहाँ आए हों या ना आए हों, लेकिन मेरे इस चैनल के माध्यम से इस ओवर ब्रिज को ज़रूर देखें, जो आपको एक हिस्ट्रिकल ओवर ब्रिज देखने को मिल रहा है मेरे इस चैनल पर पहली बार। ये शुरुआत है, ये देखिए तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ब्रिज का जो स्लैब है वो ढला हुआ आकर दोनों तरफ से पिलर पे जमाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरुआत है और मैं अभी पीछे से आया। ये पिछला हिस्सा है जो ठेंगहा है पीछे, और यहाँ से ये शुरू हुआ।
भेजा बांध, ये यहाँ से पूरा पिछला इलाका आप देख सकते हैं। आज तस्वीरों में पूरी लंबाई, पिलर, इसकी बनावट सब आपको दिखाऊंगा मैं अपने चैनल पे। और देखते रहें, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल एडीबी न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर नई जानकारी, हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं, ये ब्रिज का हिस्सा, ये गाड़ियाँ। आज संडे की वजह से चहल पहल थोड़ी कम है, लेकिन जो ब्रिज का नज़ारा है, जिसके मकसद से मैं यहाँ आया हूँ, वो तो आप लोगों को दिखाऊंगा ही। ये देखिए, ये पहला पाया है, ये पश्चिम जानिब से पहला पाया, और आगे मैं बढ़ता जाऊंगा, सारे पाए और सारा स्लैब, सारी बनावट बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। दूरी काफ़ी है, धूप भी बहुत कड़ी है, तपिश तेज है, इसलिए मैं आपको पार्ट पार्ट में पूरे ब्रिज का नज़ारा कोशिश करूंगा दिखाने का, जितनी तैयारी अभी हो गई है। और एक बात और मुझे पता चला, यहीं के स्टाफ ने बताया है कि ये ब्रिज दो डिस्ट्रिक्ट को, दो ज़िला को टच करता है। सबसे पहले जो शुरुआत मैंने किया है, ये तो मधुबनी ज़िला है, और इसके आगे फिर सुपौल का एरिया शुरू हो जाता है। जैसा कि आप लोग सहरसा, सुपौल का, मधेपुरा वगैरह का नाम सुना है, तो सुपौल का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है, आगे से 3-4 पाया पिलर के बाद से। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ के कुछ लोकल ग्रामीण लोगों से, स्टाफ से भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा इस ब्रिज के बारे में, कुछ ख़ास बात। जो कुछ है ये तो सामने है, लंबा चौड़ा ब्रिज बन रहा है। गांधी सेतु भी आपने जो देखा है पटना का, वो भी इससे छोटा है बन जाने के बाद। तो पता क्या चला कि एशिया में सबसे टॉप ब्रिज होगा ये बनने के बाद। पहले नंबर पे गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन इसके बन जाने के बाद ये हुआ करेगा। तो आप देख सकते हैं इसको, ये यहीं के लोकल ग्रामीण है। ब्रिज के बारे में मैं दिखा रहा था, तो रास्ते से गुजर रहे थे, ये विशेष जानकारी देंगे यहाँ के बारे में, कुछ जानकारी जो मैं नया हूँ। तो इस ब्रिज की शुरुआत जो है, ये गांव के बारे में आप बताइए, कौन गांव कहलाता है ये? ये भेजा है, इसका आगे ललवा रही है, इसका। अच्छा, ये भेजा तो मधेपुर डिस्ट्रिक्ट और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का मधेपुर प्रखंड में पड़ता है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग सुपौल जिला के। तो आप नाम बताइए अपना। आप अपना नाम बताइए। तो इस पुल की लंबाई के बारे में कुछ बताएंगे? 10.5 मतलब कि गांधी सेतु से लंबा है। लंबा है, एशिया का टॉप ब्रिज हुआ। सबसे घटिया निर्माण यही पुल हो रहा है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? देखा सामने कैमरा, फोकस कीजिए, मटेरियल देखिए, ये मटेरियल यूज कर रहा है। ये इनका कहना है कि ये मटेरियल जो तैयार किया जा रहा है, ये यहाँ के लोकल ग्रामीण है, सबसे घटिया मटेरियल तैयार किया जा रहा है, इनका कहना है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई पदाधिकारी, अधिकारी या गवर्नमेंट के नेता देख रहे हों, तो इस पर ध्यान दें कि बड़ा ब्रिज है, बहुत ही हिस्ट्रिकल ब्रिज है, इसमें मटेरियल बढ़िया दिया जाए। यहीं के ग्रामीण के मुताबिक मटेरियल अच्छा नहीं दिया जा रहा है। और क्या बताएंगे, ये दूसरा जिला, ये दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, आगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है फिर? सुपौल। हाँ, तो यहाँ से मधुबनी और आगे चल के फिर सुपौल डिस्ट्रिक्ट टच करता है। तो आप कन्फर्म है कि मटेरियल सही नहीं दिया जा रहा है? सामने देखिए ना, क्या क्या डस्ट है, कितना? हमको तो मटेरियल की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें इनका कहना है कि मिट्टी बहुत मिला हुआ है इस मटेरियल में, जिससे ढलाई में मजबूती नहीं रहेगी। तो अगर सरकार के पदाधिकारी, मंत्री, जो लोग भी देख रहे हैं, या ठेकेदार मेरे इस न्यूज़ को, वो इस मटेरियल में डुप्लीकेसी को कम करें और ओरिजिनल और बढ़िया मटेरियल दें। चूंकि लंबा ब्रिज है, एशिया का टॉप ब्रिज बन रहा है, तो इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैंने पहले पिलर से शुरू किया और अभी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एरिया को दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का एरिया दिखाऊंगा। एक ही ब्रिज में दो डिस्ट्रिक्ट टच करेगा, ये उधर देख, उधर, और बहुत ही हिस्ट्रिकल जगह। आगे मैं शुरू करता हूँ फिर आगे से, इसके बाद ये मैं दूसरे पिलर के पास पहुँच गया और आप लोगों को दिखा रहा हूँ तीसरा, चौथा खम्बा। कार्य प्रगति पे है, ये ऑफिस है,
ऑफिस में स्टाफ लोग हैं, ये सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपनी ड्यूटी में हैं। सारे स्टाफ लोग यहाँ थोड़ा सा आके बैठे हैं और फिर अपने काम में लग जाएंगे। ये सारा जनरेटर प्लांट है, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, ब्रिज का निचला हिस्सा है, ये ब्रिज के निचले हिस्से में मैं हूँ। ये सारी मशीनरी लगी हुई है, सारा जनरेटर लगा हुआ है इस ब्रिज को बनाने में। इस ब्रिज के निर्माण में बहुत सारी मशीनें, ट्रक, गाड़ी, मटेरियल सब मैं दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से। ये पिछला हिस्सा है जो दिखाते हुए आ रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये पाया तीसरा चौथा पाया है, और जो मशीनें लगी हैं इसके ऊपर जिससे इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो पीछे से सही ढंग से नहीं देख पाए थे आप, वो मैं आपको अब एकदम स्पष्ट दिखा रहा हूँ सामने से। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनरी जिससे इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा। तो सरकार की चीज़ें हैं, सरकार एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन मैं जो जानकारी मुझे जो मिली है, ये देखिए ब्रिज के ऊपर ये मशीनरी देखिए, ये जो मशीनें हैं, ये मशीनें देखिए लगी हुई है, और ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है। पाया लगभग कंप्लीट हो गया, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि ब्रिज का पूरा पाया कंप्लीट है, ऊपर का जो स्लैब है वो टुकड़े टुकड़े में ढाला जा रहा है, ये यहाँ तक है। पश्चिम से मैं आया हूँ और भेजा ही इलाके में, भेजा गांव है ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं मधुबनी ज़िला के मधेपुर प्रखंड भेजा में स्थित है ये जगह। और आगे बढ़ने के बाद कई पाया के बाद वहाँ से सुपौल ज़िला शुरू हो जाता है, यानी दो ज़िला को टच करने वाला ये ब्रिज है, लगभग 10 किलोमीटर का, जो कि गांधी सेतु से भी बड़ा है, एशिया का टॉप ब्रिज। ये सारे मटेरियल सामान इस पुल को निर्माण करने में जो जिन जिन चीज़ों का, जिस जिस औजार का, जो स्लैब या फिर ढलाई का जो भी सेटरिंग का सामान है, सब यहाँ पे है। और हर 2-4-10 पाया के नीचे एक बूथ बना है जहाँ स्टाफ लोग हैं, और ये मशीनें दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी से हाईटेक काम चल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। ये देखिए आगे सिर्फ स्लैब है, पाया है, मशीनें लगी हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरा पिछला हिस्सा, आगे से मैं आया पश्चिम से पूरब की ओर, और ये देखिए ये पूरा मशीनरी मैंने बैक कैमरा से दिखाया, तस्वीरें आपने देखी, और फ्रंट से अब देखिए ये है। आगे मैं चलता जाऊंगा, मैं जब जा रहा हूँ पीछे से आपको दिखा रहा हूँ, और इधर जब मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे कि कुछ 2-3 पाया के बाद दूसरा ज़िला, यहाँ से सुपौल ज़िला शुरू हो जाता है। ये स्टाफ लोग हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी है, यहाँ भी सारे स्टाफ लोग हैं अपने अपने काम में बिज़ी है। और सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, हमारे चैनल पर आप पहली बार इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। ये TRNSRIL करके लिखा हुआ है, कंपनी वगैरह का नाम है, और ये मशीनें हैं। मैं पैदल ही चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर बाइक से आगे बढ़ूँगा और आगे का नज़ारा दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा कि सारा पाया इस ब्रिज का दिखा दूँ, चूँकि जब ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सैलानियों का जमावड़ा होगा यहाँ, मुझे जैसी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा कि एक अद्भुत और एक हिस्ट्रिकल पैलेस पे आज लेकर जाऊंगा आप लोगों को, जो बिल्कुल है ये एशिया का टॉप ब्रिज कहलाएगा बनने के बाद। और इस नज़ारा को आप देखें, जब बन जाएगा तो फिर मैं पूरा मुकम्मल ब्रिज भी दिखाऊंगा। इसके आसपास मूंग की खेती देखिए, ज़बरदस्त मूंग की खेती है, इधर देख लीजिए ये हरियाली भी साथ में है। और जब आप इस ब्रिज पर कभी आएंगे, आने का मौका मिलेगा तो बहुत आनंद मिलेगा, बहुत दूर दूर के इलाके के लोग आएंगे। अभी फ़िलहाल आप नहीं आ पाए होंगे तो मेरे चैनल से आप देखें, मैं इस कड़ाके की धूप में आप लोगों को ये कवरेज करके दिखा रहा हूं, संडे स्पेशल। चलते हैं आगे फिर यहां से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भेजा टू बकौर ओवर ब्रिज, अभी अभी एक यहां के स्टाफ मिले जिन्होंने सही जानकारी दी। इससे पहले जो लोग मिल रहे थे राही मुसाफिर, उन लोगों ने एक एवरेज जानकारी दी, सही जानकारी नहीं दी। आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि इस ब्रिज का जो नाम है, शुरुआत भेजा से है, एंड बकौर में है। इस ब्रिज को भेजा टू बकौर ब्रिज कहा जा रहा है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और लगभग कमोबेश 165 पाया है इस ब्रिज में,
इस ब्रिज को पूरा होने में लगभग 165 पाया है। ये अभी अभी यहाँ के एक ओवरसियर ने, एक स्टाफ ने जानकारी दी। और ये भेजा टू बकौर ब्रिज है, जिसमें पहले भी वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। पूरी जानकारी मैं आज इस चैनल पे आपको दूंगा पार्ट पार्ट में, तो कई पार्ट में ये रहेगा, लेकिन सब जानकारी मिलेगी। पहले मैंने आपको मशीनरी दिखाई, डिपो दिखाया जहाँ से इसकी शुरुआत है, मटेरियल कहाँ बनता है और कहाँ से इस पुल की शुरुआत है। भेजा से शुरू है, बकौर में ख़त्म है। दो ज़िला टच करता है, सबसे पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भेजा और आगे सुपौल। तो मैं आगे बढ़ता आया हूँ, ये देखते पीछे, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, कार्य प्रगति पे है, काम चल रहा है। और इससे पहले मैं पश्चिम जानिब से आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ, अब मैं पूरब बढ़ रहा हूँ। पूरब ये देखिए, पीछे से मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये सारा दिखाया। कुछ दूर तक स्लैब ढलाई कर दिया गया है पाया पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और वो स्लैब ढला गया है। और आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे पार्ट पार्ट में स्लैब ढाला जा रहा है, पार्ट पार्ट में स्लैब ढाल के इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। और मैं फिर से बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य प्रगति पे है, भेजा टू बकौर ब्रिज। और किलोमीटर की लंबाई जो एक सज्जन ने यहाँ पे बताया, मुसाफिर थे वो 9 point something, यानी 10 किलोमीटर के एवरेज में जो बताया मैंने पहले वीडियो में, जो शुरू में आपको बताया, इसमें कुछ संशोधन कर दूं मैं। यहाँ के खास स्टाफ ने बताया है कि लगभग अप्रोक्स 13 किलोमीटर लंबाई है भेजा टू बकौर। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, वो 10 किलोमीटर जो है एवरेज एक मुसाफिर ने बता दिया था, जो आसपास के हैं उनको भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। और मैं तो दूसरी जगह से यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो यहीं के लोगों से मुझे जानकारी मिली है, उसमें संशोधन कर दूं कि ये 13 किलोमीटर है भेजा टू बकौर ये ब्रिज, जो भेजा ब्रिज है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी खड़ा हूँ, आगे बढ़ूंगा थोड़े ही दूर, 2-4-5 पाए के बाद यहाँ से सुपौल डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये हिस्ट्रिकल जगह भेजा टू बकौर ओवर ब्रिज, एशिया का नंबर 1 ज़रूर हो जाएगा, गांधी सेतु को भी मात दे देगा ये, जिस तरह का ब्रिज है ये। गांव ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर इलाके में इस तरह का ब्रिज अपने आप में एक मिसाल है। आज मैं ख़ास तौर से आया कि आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक एक पार्ट दिखाऊं और इसकी विशेषता भी बताऊं। नमस्कार, एडीबी न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आपके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये भेजा बकौर ओवर ब्रिज, किस तरह से स्लैब जो है एक दूसरे से जोड़कर इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्लैब है, इस स्लैब को उठाकर मशीन द्वारा क्रान से उठाया जाएगा और नट बोल्ट पे ये छेद, देखिए ये जो होल है ना, इस होल से इसको कसा जाता है। ये होल है, इसमें नट बोल्ट से कसा जाता है, और यही बोल्ट है, देखिए ये बड़ा बड़ा बोल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बोल्ट है, इसमें कसा जाता है। ये लोग इसको कसते हैं, ये स्टाफ लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं इस ब्रिज को बनाने में। ये टॉप ब्रिज बनने जा रहा है, हिस्ट्रिकल पैलेस बनना जा रहा है। कितना बड़ा बड़ा इसका नट है, ये नट आप देख सकते हैं, और कितनी मेहनत मशक्कत से, बड़ी मशीन है, इस बड़ी मशीन से इसका निर्माण हो रहा है। इसको उठाया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, और इसको लिफ्ट करने के बाद फिर आगे इसको स्लैब बाय स्लैब सजा कर, और पाया के ऊपर इसको सजा कर नट बोल्ट से कसा जाएगा। हम लोग हमेशा ब्रिज से गुजरते हैं, लेकिन ये हम लोगों को पता नहीं होता है कि ब्रिज काम कैसे करता। देखिए ये लिफ्ट हो रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ से इसको उठाया जाएगा। ये कार्य प्रगति पे है, और ये इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चलता है। ये देखिए, ये जो बड़ी सी मशीन है पटरी पे, ये पटरी बना हुआ है, इस पटरी पे बड़ी सी मशीन है येलो कलर की,
ये किरान है चलता फिरता, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सामने से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये चल रहा है, ये पटरी है, इस पटरी पे ये चल रहा है। इस किरान में और बंसी नुमा हुक बना है और इस हुक से इस स्लैब को, इस टुकड़े को, इस पीस को उठाया जाएगा और इस पीस को उठाकर पाया पे सजाया जाएगा। वन बाय वन एक एक करके मशीन द्वारा उठाकर ले जाकर सजाया जाएगा। सजाकर बड़े बड़े नट बोल्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया उससे कसा जाएगा। इसी तरह से ब्रिज का निर्माण होता है। हम लोग ब्रिज पे चलते हैं लेकिन ब्रिज का निर्माण कैसे होता है ये अब तक मैंने देखा नहीं था और शायद आप लोगों ने भी देखा नहीं हो या देखा हो तो, लेकिन आज आप मेरे चैनल से देख लें। ये पटरी पे ये मशीन चल रही है, ये चल रहा है, देखिए ये जा रहा है, ये चलता हुआ चला जा रहा है, ये आप देखें ये जा रहा है और इसके हुक में इस स्लैब को घुसाकर हुक में फिट करके उठा के ले जाकर अब फिर वहाँ ऊपर इसको ले जाकर सजाया जाएगा और सजाकर इसको सेट किया जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये देखें ब्रिज आगे की तरफ, ये मशीन, ये पटरी पे ये किरान जो है, ये हुक जो है आगे की तरफ जा रहा है और आगे जाकर स्लैब को उठाएगा और उठाकर ले जाकर फिर बारी बारी से एक एक करके सजा करके इस पुल को, पुल का निर्माण होगा। देखिए ये यहाँ था, मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ पीछे यहाँ था, इस पटरी से चलकर बिल्कुल ट्रेन की तरह ये किरान दोनों छोर पे पटरी है इसके और दोनों छोर से ये चल रहा है। लोग जितने स्टाफ हैं वर्कर रस्सी पकड़े हुए हैं और आगे किसी स्लैब में इसको फंसाया जाएगा। इसमें हुक बना हुआ है, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, इसमें हुक बना हुआ है, आप इस हुक को देखें, ये देखिए ये हुक बना हुआ है और ये सामने से ले जाकर ये चलता हुआ जा रहा है। ये मशीन चल रहा है, देखिए ये जा रहा है, सीढ़ी से स्टाफ चढ़ा और इस हुक में इसको फिट करके इस स्लैब को उठाया जाएगा। ऊपर में भी है एक बूथ नुमा बना है, वहां भी स्टाफ है, बड़ी सी मशीन है, URB इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वहां पे, ANISO 9001-2015 कंपनी, TRNSRIL है, WSWL 150 and 50T, ये मशीन का नंबर है और कुछ इसका कंपनी है, कंपनी का अपना कोड वगैरह है। और ये देखिए हुक में स्टाफ लोग, यहाँ के वर्कर लोग हुक में इस स्लैब को घुसा रहे हैं, घुसा के फिट करके नट कसेंगे फिर उठा के लिफ्ट करके ले जाके सजा दिया जाएगा। एकदम मॉडर्न टेक्निक, एकदम न्यू टेक्निक से इस ब्रिज का, इस ओवर ब्रिज का, एशिया के नंबर वन ब्रिज का निर्माण हो रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस ब्रिज को बनते हुए मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वरना आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें बनी बनाई पुल देखेगा और वो इस पे चलेगा चढ़ेगा, उसे क्या पता इस ब्रिज का निर्माण कैसे हुआ, कितने मेहनत मशक्कत से, कितने समय देकर, कितने मटेरियल खर्च करके सरकार को और यहाँ के वर्कर्स को, स्टाफ को, लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई। ये मशीन ऊपर से एक बार देख लीजिए, ये जनरेटर लगा हुआ है इसमें, इसी से ये चलता है, ये पटरी है, ये पहिया है इस मशीन का, इस पहिया को देखिए और ये दोनों छोर पे है। अब इसको स्लैब को फंसाकर इसके हुक में और इसको उठाते हुए भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और पार्ट पार्ट में ये बन रहा है, अभी पूरा मुकम्मल नहीं है, पाया पूरा है, लगभग 165 पाया, ये भेजा बकौर ब्रिज, अभी अभी नाम स्टाफ ने बताया, लगभग 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पहले मैंने किसी ऐसे ही राही मुसाफिर से पूछा था। ये देखिए ये ब्रिज का स्लैब दूर तक देखिए और इसके आजू बाजू में मकई का खेत भी देखिए और ये ब्रिज धूप में बहुत तपिश है और सारी टेक्नोलॉजी, सारी मशीनरी इस ब्रिज को बनाने में लगी है। इत्तफाक है कि मैं पहुंच गया स्लैब को एक दूसरे पे उठाकर सजाते समय, जब किरान सजाता है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
एडीबी न्यूज 7 पे पहली बार आप भेजा बकोर एशिया का नंबर वन एडीबी न्यूज 7 पे पहली बार आप भेजा बकोर 13 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे टॉप ब्रिज का नजारा कर रहे हैं, जिसमें स्लैब कैसे उठाकर पुल पे सजाया जाता है, ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वो मैं लाइव आप लोगों को अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नए हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल एडीबी न्यूज 7 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी ताज़ा जानकारी ताज़ा खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो ये देखें आप कैसे स्लैब को सजाया जाता है उठाकर, बीच बीच में पार्ट पार्ट में इसलिए दिखा रहा हूं कि पहले बैक से मैं दिखाता हूं, फिर फ्रंट से दिखाता हूं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहा हूं, इसकी विशेषताएं बता रहा हूं, कैसे कसा जाता है। अब मैं इस पटरी के आगे बढ़ता हूं, कैसे इस स्लैब को लिफ्ट किया जाएगा, उठा के इसके ऊपर कैसे रखा जाएगा, यहाँ भी ऊपर स्टाफ लोग हैं और वहाँ पे फिर उसके ऊपर ले जाकर छड़ की सेटरिंग करके फिर ऊपर में वेल्डिंग किया जाएगा, वेल्डिंग करके फिर इसमें बीच बीच में ढलाई होगी। सभी लाइट मशीन अत्याधुनिक मशीनें, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेटेड मशीनरी से बनाया जा रहा है इसको। बिल्कुल स्टाफ लोग पूरी मेहनत और मशक्कत से, देखिए कैसे कैसे इसको उठाना है, बहुत जोखिम भी है, यहाँ पे खतरा भी हो सकता है, जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और सेफ्टी के साथ हाथ में दस्ताना है और बहुत सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। मैं भी इन लोगों के बीच हूँ, मुझे भी हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा कुछ ही देर में। इस तरह से नट बोल्ट कस के लिफ्ट किया जाएगा इसको, और इस स्लैब को लिफ्ट करके और पूरे टुकड़े को, पूरे पीस को यहाँ से रेडीमेड बना हुआ टुकड़ा आया है उठा के फिर आगे इसको ले जाके सजाया जाएगा उस पिलर पे, जो पिलर पहले से जमीन में गहराई से ढलाई किया हुआ है। तो अब यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, और पीछे से मैंने दिखाया आप लोगों को, वहाँ मशीन है, वहाँ स्लैब लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए जाता हूँ, कड़ी धूप है, मैं कोशिश करूँगा पूरा पाया दिखा दूँ, 165 कम से कम पाया है। अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एरिया को दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा तो मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट का एरिया आपको दिखाऊँगा। ये अद्भुत नज़ारा, हिस्ट्रिकल ब्रिज जो सुदूर गाँव ग्रामीण क्षेत्र में है और पर्यटक स्थल बन जाएगा एक समय में, जब कभी आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा, नहीं आ पाए तो मेरे चैनल पे इसको देख लें और बनते हुए देखें। तो चलिए आगे का नज़ारा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ यहीं पर के वर्कर हैं, स्टाफ हैं, लोग लिफ्ट करते हैं इस टुकड़े को इस सेगमेंट है, सेगमेंट करते हैं कहते हैं इनके भाषा में, इस सेगमेंट को उठाकर यहाँ इस हुक में सेट करके वहाँ से लिफ्ट हो रहा है देखिए, और इसको लिफ्ट करके यहाँ सजाते हैं, क्या कहते हैं इसको और कैसे कैसे सेट होता है? सेगमेंट बोला जाता है, अरेक्शन में काम किया जाता है। अच्छा, अरेक्शन करेंगे, क्रिप्स जैसे खड़ा है ना, हाँ, इसी हिसाब से हम लोग इसको अरेक्शन करेंगे, अरेक्शन करके और यहाँ पहले अभी इसको ला के रखेंगे, हाँ, साइड शिफ्टिंग करेंगे साइड में। अच्छा, साइड शिफ्टिंग करेंगे, फिर बाद में उठाएंगे जब टावर खड़ा हो जाए। इसका नाम क्या है? सेगमेंट, सेगमेंट है, सेगमेंट को यहाँ अभी आप ला रहे हैं सजाने। ये देखिए, ये इसको लाया जा रहा है उठाकर लिफ्ट करके, सेगमेंट कहते हैं, मैं बार बार इसको स्लैब टुकड़ा कह रहा था लेकिन इनकी भाषा में सेगमेंट है और सेगमेंट ही कहलाता है, एक्चुअली ये सेगमेंट ही है। ये ला के यहाँ पे इसको देखिए, ये आ रहा है, लाया जा रहा है सेगमेंट को, रस्सी लगा के पटरी पर ये चलते हुए, ये किरान हुक पे लगा के ला रहा है यहाँ पे, ला के इनको अरेंज, सबको इसको अरेंज किया जाएगा, अरेंज करके अभी रखा जाएगा, सारे सेगमेंट को बाद में सजाया जाएगा ऊपर ले जाकर। ये देख सकते हैं आप, ये सेगमेंट लिफ्ट होके आ रहा है वहां से उठ के, ये देखिए, ये हुक ऊपर से लगा हुआ है और ये हुक उठा के ला रहा है सेगमेंट को, और ये पटरी पे ये चलता हुआ पहिया ये आ रहा है इधर, इस पटरी पे चल रहा है, इस पटरी पे चलकर आ रहा है, और ये पटरी पे चलने वाला किरान है जो इस पर टूटता भी है। अच्छा, देखिए एक नई बात पता चली, इस पटरी में सेंसर है, अगर मैं इस पे खड़ा हो जाता तो ये मशीन रुक जाती, ऑटोमेटिक मशीन है,
हाँ, कि किसी को खतरा नहीं हो, कोई खड़ा है तो मशीन में टकरा के उसको क्षति नहीं पहुंचे। इसके लिए गैंट्री, ये गैंट्री बना है, इसमें सेंसर लगा है, कोई खड़ा हो तो ये मशीन ऑटोमेटिक रुक जाती है। वाह, बहुत अद्भुत, अब बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है इस ब्रिज को, यहाँ उठाकर लाकर सजाया जा रहा है। और इस पटरी में सेंसर लगा है, मैं जब जा रहा था तो स्टाफ ने कहा मत जाइए, मशीन रुक जाएगी। ऑटोमेटिक सेंसर द्वारा ये मशीन हैंडल होता है कि किसी को कोई क्षति नहीं हो, कोई स्टाफ उसमें चप न जाए, धक्का न लग जाए, जिसके लिए जैसा कि आप मेट्रो ट्रेन वगैरह के गेट में देखते हैं सेंसर लगा होता है, बीच में कोई फंसा हो तो वो गेट बंद नहीं होता, उसी तरह से यहाँ भी सेंसर है। देखिए ये सेगमेंट अरेंज किया जा रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके अरेंज करके इसको रखा जा रहा है, इस हुक में फंसाकर इस किरान द्वारा, देख सकते हैं आप। इसको बैक कैमरा से आप देखिए बढ़िया से, देखिए ये सायरन बज रहा है इस मशीन का, और ये सायरन बजा के फिर इसको रोक दिया गया, नीचे से उठाकर ये सेगमेंट ऊपर आके सजा दिया गया। अब ब्रिज के आगे के हिस्से में बढ़ते हैं, ये लाया जा रहा है, लिफ्ट करके लाया जा रहा है, ऊपर से सेगमेंट को लाया जा रहा है इस क्रान द्वारा। पटरी में सेंसर लगा है, मशीन आ रही है, सारे स्टाफ लगे हैं, रस्सा भी लगा है सेफ्टी के नजरिए से, ये लाया जा रहा है। हर स्लैब के हर सेंसर सेगमेंट के ऊपर दूसरा सेगमेंट डाला जाएगा। ये देख सकते हैं, और मैं रेगुलर आपको दिखा रहा हूँ इस ब्रिज का निर्माण, भेजा से बकोर तक का ये ब्रिज लगभग 13 किलोमीटर लंबा, दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता हुआ, अभी मैं मधुबनी में खड़ा हूँ, आगे सुपौल डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा ये ब्रिज। अभी भेजा यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, भेजा गांव में खड़ा हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, आगे मैं चलूँगा तो वहाँ से सुपौल डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। ये देखिए सारे सेगमेंट को एक दूसरे के ऊपर सजा के रखा जाएगा, बाद में फिर ऊपर से एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिज का निर्माण ही हो रहा है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्रिज का निर्माण ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस ब्रिज के निचले हिस्से में मैं अब आ गया, अब ये ब्रिज का निचला हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये सेटरिंग किया हुआ पाया में लोहे के बड़े बड़े ग्रिल से सेटरिंग किया हुआ है, ये ब्रिज का निचला हिस्सा है। ब्रिज के निचले हिस्से को मैं आप लोगों को फिल्मा के दिखा रहा हूँ अपने चैनल ADB न्यूज 7 पे, पहली बार आप लोगों को हमारे इस चैनल पे ये देखने को मिल रहा है। पिछला दिखाता हुआ आ रहा हूँ मैं भेजा से, जहाँ से शुरू हुआ है ये ब्रिज, भेजा बकोर ब्रिज, तो इस कड़ी में अब आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए लगभग 10वां-11वां पाया पे मैं आ गया हूँ, 165 पाया आप लोगों को दिखाऊंगा, पिलर दिखाऊंगा, अभी पिलर पूरा तैयार है, और स्लैब जो है स्लैब कह रहा हूँ मैं, सेगमेंट इसका नाम है, सेगमेंट बहुत पूरा तैयार नहीं है, पार्ट पार्ट में तैयारी हो रही है, नीचे से मैंने दिखाया, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा सेगमेंट तैयार किया हुआ है इधर, और पार्ट पार्ट में मैं फिर फ्रंट से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से सेगमेंट सजा के पुल का निर्माण हो रहा है। अब आगे से आप देखें, देखिए ये पटरी है, इस पटरी में चलकर किरान आता है जिसमें सेंसर लगा है, जैसा कि पहले मैंने बता दिया है। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, पूरब जानी बढ़ता जा रहा हूँ, पश्चिम से मैं आ रहा हूँ भेजा की ओर से, और अभी भी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट यानी भेजा गांव में हूँ जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, और आगे बढ़ता जाऊँगा, यहीं के स्थानीय कारीगर से वर्कर से पूछूंगा कि कहाँ से सुपौल डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं फिर से एक बार कहता हूँ कि सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए, नई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जानकारी हर न्यूज़ पहले उनके पास पहुंचे। ये देखिए ये सेगमेंट है, सब सजाया हुआ है, फिर यहाँ पे
निर्माण कार्य में लाके किरान से हुक पे फंसा के लाके और इनको इसको सजाया जाएगा, सेट किया जाएगा। ये ब्रिज देखिए, एक पार्ट मैंने पीछे दिखाया था और एक पार्ट अभी दिखा रहा हूँ। ये पार्ट है, पीछे का हिस्सा वो येलो वाला, येलो वाली मशीन किरान है, दूर से देख रहे होंगे। थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये वही किरान है। इस किरान को आप देखें जिसको पहले मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया। अब फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, लंबी दूरी है, 13 किलोमीटर है, तो पार्ट पार्ट में बाइक से मैं सफ़र करते हुए अब बीच बीच में आप लोगों को पूरा निर्माण कार्य दिखाऊंगा आज मेरे चैनल एडीबी न्यूज़ 7 पे। और लगभग आज का संडे स्पेशल है, मैंने पहले ही कहा था, पिछली बार हरियाली दिखाया, प्रकृति का साकार दिखाया, ये आज मैं मनुष्य द्वारा साकार ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन, मनुष्य द्वारा निर्माणाधीन तो कार्य प्रगति पे है। ये ब्रिज भेजा बकौर ब्रिज, ये देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े मनुष्य द्वारा निर्मित है और ये ब्रिज जो है निर्माणाधीन है, अभी कार्य प्रगति में है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये देखिए, ये सारा सेगमेंट रखा हुआ है। मैं इस कड़ी चुलचुलाती धूप में आपको इस एशिया के लंबे ब्रिज का नज़ारा दिखा रहा हूँ। पार्ट पार्ट में कुछ 100-200 गज की दूरी में जो सेगमेंट रख कर तैयार किया जा रहा है, लगभग 165 पाया, दो डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला ये ब्रिज अपने आप में एक मिसाल है। और एक समय में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा इस नज़ारा को देखना कि कैसे बना था, बहुत कम लोग देख पाते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो बहुत सैलानियों का आना जाना होगा, यहाँ दूर दूर से लोग, पूरे विश्व से लोग आएंगे कि इंडिया में एक ऐसा ब्रिज गांव ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में, इलाके में बना जहां कभी बाढ़ पीड़ित इलाका हुआ करता था, यहां कभी 20 साल पहले लोग आ नहीं पाते थे, बाढ़ ग्रस्त एरिया, पूरा पूरा बेल्ट कोसी एरिया है और यहां पे इस तरह का ब्रिज जो है सरकार का अचीवमेंट है, बिहार सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्कीम को देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में उसको कार्य प्रगति में लाती है, सभी लोगों के सहयोग से, सेंटर के, स्टेट के सहयोग से बड़ा ओवर ब्रिज बनता है और ये कार्य प्रगति में है। मैं बढ़ता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ, अब मैं फिर बाइक से चलूँगा और ये अगले पाया यानी वो जो बांस का बगान है, जलेबी है, वहाँ से आगे आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को सब पाया दिखा रहा हूँ, ये सारा पाया है, लगभग 50-55 पिलर मैं क्रॉस कर चुका हूँ, आप लोगों को दिखा चुका हूँ, पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ निर्माण कार्य प्रगति पे कैसे है, सेगमेंट कैसे सेट किया जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। 13 किलोमीटर का ये ब्रिज पाया पूरा मुकम्मल है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है, और टुकड़े टुकड़े में कुछ एरिया में ब्रिज का निर्माण भी हो गया है, पार्ट पार्ट में बनाया जा रहा है और मैं आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा कैसे कैसे पाया का निर्माण है, कितना पाया है, फिर आगे का हिस्सा दिखाता हूँ। आधे हिस्से में लगभग पहुँच गया हूँ और ये देखिए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़मीन में होल करके पिलर बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे पाया है और ये सब पाया है, लगातार मैं पाया, जितना पाया है 160-165 लगभग पाया सब दिखाता हुआ जा रहा हूँ, दिखाता हुआ जा रहा हूँ आप लोगों को अपने चैनल एडीबी न्यूज़ 7 में। ये मशीन देखिए, ये पिलर पाया बन रहा है, यहाँ पे ढलाई किया जा रहा है, मशीनें लगी हैं और आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। ये पश्चिम
मैं आपको दिखा रहा हूँ जिधर से मैं आ रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाते हुए, और इधर मैं जाऊँगा आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे जगह जगह पे बूथ है और जगह जगह पे गार्ड्स हैं, गार्ड हैं, बूथ्स हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब पाया, मैं फ्रंट से आप लोगों को दिखाऊँगा और दिखा रहा हूँ अभी आगे। ये देखिए ये पाया है, ये पिलर है, ये सारा पाया पिलर है। जो पाया मैं दिखाता हुआ आ रहा हूँ आगे से 10 पाया आप देख सकते हैं, लगभग 60-70-75 पाया मैं क्रॉस कर गया, और आगे ये 8-10 पाया दूर तक आप देखिए। ये चारों तरफ हरियाली है और इस हरियाली के बीच में कोसी इलाके में जो कभी बाढ़ पीड़ित होता था, जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था, अब यहाँ दूर दूर से सैलानी आएंगे घूमने के लिए कुछ ही सालों में, बल्कि हो सकता है कि अगले ही साल हो सकता है शायद, जिस तरह से कार्य प्रगति पे है और तेज़ी में कार्य हो रहा है। ये देखिए दूर दूर तक ये पाया पिलर है, पीछे मैं दिखा चुका हूँ कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले था भेजा में, अब आगे बढ़ता आ रहा हूँ। अभी पूछता हूँ गार्ड साहब से कि शायद मैं अब सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गया। ये एशिया का टॉप ब्रिज जो बन रहा है 13 किलोमीटर लंबा, भेजा से शुरू हुआ है, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ दिखाता जा रहा हूँ। गार्ड साहब जरा बताइए कि जगह यहाँ से सुपौल शुरू हो गया क्या? नहीं, गार्ड साहब बता रहे हैं कि अभी सुपौल शुरू नहीं हुआ, अभी हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए पूरा रेतीला इलाका है, पूरा बाढ़ पीड़ित इलाका था ये, कभी इधर आदमी आता नहीं था 15-20 साल पहले। अब दूर दूर से अंग्रेज लोग यहाँ पे आएंगे टूर करने के लिए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह बनने जा रहा है और टूरिस्ट कम्प्लेक्स, यानी यहाँ सैलानी जरूर आएंगे, क्योंकि इतना लंबा ब्रिज इस इलाके में क्या कि पूरे बिहार में पूरे एशिया में नहीं है। गांधी सेतु था पहले लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा ये ब्रिज, बन जाने दीजिए। और ये निर्माण कार्य मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये लगभग ब्रिज के आधा से ज़्यादा मैं आगे बढ़ गया हूँ और यहाँ पर फिर आप देखिए एक बूथ है और यहाँ पर चौकी है, इस चौकी पर गार्ड लोग हैं, बहुत सारा सामान है, छड़ है, रॉड है, सेटरिंग का सामान है। कार्य प्रगति पे है इस ब्रिज के, इस ब्रिज का कार्य प्रगति पे है और ये सब सामान है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं बूथ पे हूँ और गार्ड साहब है, लंच टाइम है, सब लोग खाना खाने के लिए तैयारी में हैं। और ये लगभग आधा से ज़्यादा गुजर गया, अभी भी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा हूँ। ये जो भेजा का एशिया का टॉप ओवर ब्रिज है 13 किलोमीटर लंबा, जिसको दिखाते हुए मैं आ रहा हूँ, शुरू से आप देखते हुए आ रहे हैं, बीच बीच में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बाद में मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे, सारी जानकारी सारी खबरें नई नई मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं, ब्रिज का बिचला हिस्सा आधे से ज़्यादा मैं गुजर चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, और ये पाया लगभग 46 पाया नंबर 46 पे मैं अभी हूँ। और अब फ्रंट कैमरा से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस ब्रिज का आगे का हिस्सा। दूर दूर तक मैं धूप की तपिश में बाइक से चल कर आ रहा हूँ, चूँकि ये बिल्कुल रेतीला इलाका है, बालू वाला इलाका, पहले ही बता चुका हूँ बाढ़ पीड़ित इलाका था, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था ये कोसी एरिया का, पूरब बेल्ट का, जहाँ कभी मैं आया भी नहीं था। आज इस ब्रिज के कारण मैं आया हूँ और कभी पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे। ये गांव ग्रामीण क्षेत्र में, ये सुदूर क्षेत्र में पूरे विश्व के लोग आएंगे आने वाले समय में। इतना लंबा ब्रिज एशिया का टॉप ब्रिज है, आज मेरे चैनल ADB न्यूज़ 7 में आप देख रहे हैं, और मैं खुद आया हूँ यहाँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। कार्य प्रगति पे है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और बहुत युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे फिर दिखाता हूँ पूरे ब्रिज के आखिरी छोर तक आप लोगों को, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, ख़ास बात दिखाऊंगा, बनाने का तरीका दिखाऊंगा, स्टाफ से कहीं जहाँ लोग बात कर पाएंगे उनसे पूछूंगा, जो नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, मुझे जैसे जैसे जिन्होंने बताया उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ।
क्योंकि जो यहाँ पे मौजूद हैं करीब हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये देखें पाया नंबर 46 पे मैं अभी हूँ और 160-165 पाया जाना है, तो आगे मैं दिखाता जाऊँगा। बीच में पाया तो दूर दूर तक दिखा दे रहा हूँ, ख़ास जगहों पे जहाँ पे बूथ है, जहाँ पे सेंटर है बीच बीच में, वहाँ जाके और आपको काम करने का तरीका और ख़ास ख़ास चीज़ें विशेषताएँ दिखाऊँगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, फिर अब आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ पुल का जो हिस्सा मैंने दिखाया, पाया वगैरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब बीच में ये एक नदी है, इस नदी के पास मैं पहुँच गया हूँ, इस नदी को आप देख सकते हैं। और नदी के ऊपर ये मचान चचरी बना हुआ है जिस पर लोग आने जाने के लिए बांस का चचरी बनाए हुए हैं। और ये चारों तरफ रेतीला इलाका है, आप तो जानते हैं कि कोसी एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया हुआ करता था किसी ज़माने में। इसके ऊपर एशिया का ये लंबा पुल बनकर, ऐतिहासिक पुल बनकर एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है सरकार ने। और इस ब्रिज के बन जाने के बाद दूर दूर से पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे, जैसा कि लोग पहले यहाँ नहीं आया करते थे, बाढ़ ग्रस्त इलाका हुआ करता था। ये नदी देखिए, नदी का नज़ारा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और मैं आपको फ्रंट कैमरा से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि सभी पाया को मैंने आप लोगों को दिखाया कितना पाया है, और इस छोर से उस छोर तक दिखाऊंगा सभी नज़ारा। अब आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ ये पूरा नदी का नज़ारा। और ये मशीनरी देखिए, पूरी मशीनें लगी हैं इस पुल के निर्माण कार्य में, ये पाया वगैरह है। ये बैक कैमरा से देखिए ये नदी, खूबसूरत नज़ारा नदी का है। ये कोसी बेल्ट है, जैसा मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था, यहाँ पे किसान लोग नाव से पानी निकाल रहे हैं, मछली मार रहे हैं, मछली का शिकार कर रहे हैं। और दूर दूर तक ये नदी को देखिए, इस तरह की नदी आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती होगी। मेरे चैनल ADB न्यूज़ 7 में देखिए, मैं अभी उसी ब्रिज के नीचे हूँ जो एशिया का टॉप ब्रिज है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ शुरू से, भेजा से मैं दिखाना शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये नदी देखिए, ये नदी चारों तरफ, ये नज़ारा, दूर दूर तक पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ये जूम करके दिखाता हूँ, देखिए दूर दूर तक पानी ही पानी है। ये देखिए, ये यहाँ पे पाया पिलर बन रहा है। अब इस तरफ देखिए, मछली का शिकार कर रहा है लड़का लोग, मस्ती भी कर रहा है, मज़ा कर रहा है। चारों तरफ नाव है, जैसा कि मैंने बताया था पूरा बेल्ट में मैं हूँ, दरभंगा ज़िला के, माफ़ कीजिएगा, मधुबनी ज़िला के भेजा में मैं मौजूद हूँ। ये एशिया का नंबर वन पुल जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, जिसको मैं दिखाते हुए आ रहा हूँ। पश्चिम से मैं आ रहा हूँ पूरब की ओर, बीच में ये नदी है, इस नदी के पास मैं रुका और ये पीलहड़ पाया पुल का बन रहा है। दूर दूर तक कार्य प्रगति पे है। यहाँ ये नाव है, यहाँ लोग मछली का शिकार कर रहे हैं। मैं इस नाव के ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ नज़ारा, हमारे चैनल पे आप देखें मेरे साथ इस नज़ारा को देखें। ये किसान हैं, ये लोग मछली का शिकार कर रहे हैं। और ये पानी, इस गर्मी में ये बारिश नहीं हुई है अभी, फिर भी यहाँ पानी है, जल जमाव है। ये नदी है, इस नदी के ऊपर से ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है, ब्रिज का ही हिस्सा है ये, मैं दिखाते हुए आ रहा हूँ पूरा ब्रिज। आप लोगों को हमारे चैनल ADB न्यूज़ 7 पे मुकम्मल दिखाऊंगा, जिसका एक पार्ट है ये। यहाँ पे भी काम चल रहा है, कुछ देर मैं रुक गया, नदी आप लोगों को दिखा दूँ। ये ब्रिज के नीचे ये नदी है, दूर दूर तक नदी देखें, ये नदी, ये पानी, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक पानी ही पानी। ये देखिए, ये देखिए, मैं नदी को पास से दिखा रहा हूँ, मैं नाव पे अभी मौजूद हूँ। ये देखिए, ये नाव पे मैं अभी मौजूद हूँ और इस नाव पे चढ़ के आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये मेरे पीछे तस्वीरें देखिए। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और पुल का अगला हिस्सा आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा पुल जब पूरा हो जाएगा तभी मैं अपने इस रिपोर्टिंग को समाप्त करूंगा।
बढ़ते हैं आगे अब पुल के अगले हिस्से में। ये नदी का नज़ारा फिर से देखिए एक बार, नदी के एक छोर को मैंने दिखाया, ब्रिज का ही निचला हिस्सा है जिस ब्रिज को मैं शुरू से दिखाता आ रहा हूँ। ये भेजा बकोर ब्रिज जिसके नीचे ये नदी है, नदी का एक छोर दिखा चुका हूँ, दूसरे छोर पे कार्य प्रगति पे है, ब्रिज का ही कार्य हो रहा है जिससे ये रास्ता थोड़े देर के लिए बाधित हुआ। मैं भी यहाँ पर रुका, लोग खड़े हैं यहाँ पे, वो पम्मा टाइप का एक है लोहे का जिसको इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है, इस ब्रिज का ही कार्य हो रहा है जिससे कुछ देर के लिए रास्ता बाधित है। मैं भी रुक कर कुछ देख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ये नदी है, चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज देखिए, पहली बार एक प्रकृति का शाकार है ये नदी, कुदरत का खूबसूरत नज़ारा है, इसको आप देख सकते हैं मेरे साथ, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। ये पुराना लोहे का ब्रिज है जो पहले था जिससे लोग आते जाते थे, और ये देखिए दूर दूर तक नदी देखिए, और लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। रोड थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब हुआ है, कुछ ब्रिज का काम, और इसी नदी के बीच से ये पाया ढलाया जा रहा है, पाया को ढाला जा रहा है, और काम अभी है बहुत बचा हुआ, कई पाया दिखाता हुआ आ रहा हूँ मैं शुरू से, अब लगभग तीन चार किलोमीटर और बचा है, पूरा आखिरी तक एंड तक आप लोगों को दिखाऊंगा भेजा बकोर ब्रिज, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से लेके सुपौल डिस्ट्रिक्ट तक का ये ब्रिज 13 किलोमीटर का ब्रिज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। लगभग दो घंटे से मैं पार्ट पार्ट में आप लोगों को रुक रुक कर बीच बीच में दिखा रहा हूँ, धूप में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये नदी है और बीच बीच में ये पाया है, दिखाता चलूँगा फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बकोर तक, भेजा से शुरू किया है मैंने, बकोर तक आप लोगों को दिखाऊंगा ये ऐतिहासिक ब्रिज का पूरा बनावट, कैसे ये बनाया जा रहा है, कैसे कैसे इसका निर्माण हो रहा है, पाया, इसका सेगमेंट, कैसी मशीनें हैं, और कैसे बालू का ढेर लगा है, नदियों को क्रॉस करते हुए किस तरह से बनाया जा रहा है, सारा नज़ारा मैं आज अपने चैनल पे आप लोगों को दिखाऊंगा संडे स्पेशल, और पूरा आप देखेंगे। इसमें कुदरती चीज़ भी आप देख रहे हैं, और इंसानों द्वारा निर्मित और निर्माणाधीन ये ब्रिज भी आप मेरे साथ देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये ब्रिज का काम, यहाँ भी पाया बन रहा है, पाया के लिए गड्ढा खोदा गया है और गड्ढे से ये बालू निकल रहा है, इधर मिट्टी तो है ही नहीं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं बहुत पूरब आ चुका हूँ, भेजा से लगभग 8-9 किलोमीटर मैं पूरब आ चुका हूँ, और इधर बालू का ही इलाका है, ये बालू हम लोगों की तरफ पश्चिम में बिकता है, यहाँ से ले जाकर ट्रैक्टर से लोग बेचते हैं, यहाँ इसकी अहमियत बिल्कुल कम है। देखिए गड्ढा खोदने के बाद ये पूरा नदी है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पे जब बारिश थोड़ी तेज़ हो जाएगी तो मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, यहाँ पे अभी खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे गाड़ी लेकर पहुँच गया, लेकिन जब बाढ़ आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा, रुक नहीं पाऊँगा, गाड़ी नहीं ले जा पाऊँगा, तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं अभी गाड़ी से आया, लगभग 2-2.5 घंटे से मैं इस को कवर कर रहा हूँ, और ब्रिज का ही एक पार्ट है, नीचे से ये पाया बन रहा है, बहुत सारे पाए बन गए हैं, कहीं कहीं पे ब्रिज का ऊपर का सेगमेंट भी लग गया है, लेकिन इस जगह पे थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ, ये पानी आ गया है, यहाँ पे पाया का निर्माण हो रहा है, मशीनें लगी हैं, और संडे की वजह से कुछ काम रुका हुआ है। दूर दूर तक आप देख रहे हैं क्रान वगैरह लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं दूर दूर तक। आगे बढ़ूंगा मैं आपको भेजा टू बकोर, जो ब्रिज है 13 किलोमीटर का, दो ज़िला को जोड़ता हुआ, मधुबनी ज़िला से मैंने शुरू किया, यानी कि भेजा से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भेजा गांव से मैंने शुरू किया, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट तक जाके बकोर में एंड करूँगा, आप लोगों को इस ब्रिज का एंड तक दिखाऊँगा। अब आगे चलता हूँ, फिर अगला हिस्सा दिखाता हूँ। ब्रिज का ये हिस्सा देखिए, बालू इस कदर जमा है यहाँ पे, जो ज़मीन से निकला है, पाया के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, इस गड्ढे से जो बालू निकला है, बिल्कुल लग रहा है बर्फ़ की तरह, बर्फीला इलाका, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गया हूँ। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद बालू, ये सब ज़मीन से निकला है,
ये इसी ब्रिज के निर्माण कार्य में जो पाया खोदा गया है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितना टीला है वाइट, ये वाइट टीला सब बालू का टीला है जो ज़मीन से निकला है। यही जो भेजा बकोर ब्रिज है, एशिया का नंबर वन 13 किलोमीटर का ये ब्रिज जो मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसी के नीचे मैं खड़ा हूँ जहाँ पाया कहीं कहीं नहीं बना है, वो नया पाया का गड्ढा खोदा जा रहा है जहाँ पानी निकल गया है। तो उस जगह पे ये बालू देखिए, सफ़ेद बालू, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे जितना टीला है वाइट वाला, ये सब बालू है। अब मैं बैक कैमरा से आप दिखाता हूँ, ये देखिए ये दूर दूर तक नज़र जहाँ जाएगी आपकी सब बालू है। ये पाया को खोदने में जो बालू नीचे से निकला है, सफ़ेद बालू, कहीं ब्लैक रेत, रेत है, रेगिस्तानी बालू की तरह बिल्कुल रेतीला इलाका है। ये देखिए बस अब मैं बकोर पहुंचने ही वाला हूं। भेजा से मैं चला, बीच बीच में सारा निर्माण कार्य इस एशिया के नंबर वन ब्रिज का मैं दिखाता हुआ जा रहा हूं। और आगे अब देखिए ये पूरा कोसी एरिया है, चारों तरफ जो ये कटाव देख रहे हैं, ये कटाव पानी का कटाव है। थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ जल जमाव लग जाता है। अभी बारिश शुरू हो जाती तो मैं आ नहीं पाता। चारों तरफ बाढ़ ग्रस्त इलाका है जहाँ कभी कोई गाड़ी नहीं आती थी, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण के बाद ये भेजा बकोर जो ब्रिज बन जाएगा तब यहाँ देखिएगा लोगों का आना जाना। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मैं पार्ट पार्ट में एरिया वाइज पूरे ब्रिज के हिस्से को फिल्मा रहा हूँ, पूरी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो सभी तस्वीरें एक जगह आप देखेंगे, पूरा भेजा से लेकर बकोर तक की ये पूरी तस्वीरें, ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कैसे प्रगति में है और ये ब्रिज कैसे बन रहा है, ब्रिज का पाया कैसे बनता है, कहां कहां पे कौन सी मशीनें लगी हैं, किस ढंग से सेगमेंट को उठाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, सारी चीज़ें मैं बताता हुआ आ रहा हूं। और भेजा से चला मैं बिल्कुल बकोर के करीब पहुंच गया। अब बकोर तक आपको पूरा एंड तक इस ऐतिहासिक ब्रिज के निर्माण का पूरा कार्य जो अभी प्रगति पे है एंड तक दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये अगला हिस्सा, फिर मैं और कुछ आगे आया। और ये गाड़ियाँ देखिए, ये मशीनें देखिए, किराने देखिए, और ये बालू का ढेर, मलबा, ये ब्रिज का कार्य प्रगति में। ब्रिज के नीचे से मैं चलता जा रहा हूँ और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे, हर 50 गज पे, 40 गज पे, हर 50 गज पे आपको दिखाता जा रहा हूँ कि कैसे निर्माण कार्य हो रहा है इस एशिया के नंबर वन ब्रिज का। देखते चलिए, ये भेजा बकोर ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हूँ और पाया के आसपास ब्रिज तो अभी बना नहीं है, जब ब्रिज तैयार हो जाएगा तो नीचे ही कहलाएगा। और अभी पाया के आसपास मैं हूँ, हर पाये को मैं दिखाता जा रहा हूँ, लगभग हर 5-10 पाया के बीच से आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे बकोर के करीब पहुँचता जा रहा हूँ। ये निर्माण कार्य देखते चलिए मेरे साथ एडीबी न्यूज़ 7 पे। अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, अब देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस इलाकों को अब देखिएगा तो लगेगा कि मैं कश्मीर में खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भेजा बकोर ब्रिज जो बन रहा है, जिसके बारे में शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उसके नीचे पीलर जो बन रहा है, उस पीलर के आसपास खड़ा हूँ, बकोर पहुँचने वाला हूँ। अब भेजा से दिखाता हुआ आ रहा हूँ ब्रिज का पूरा निर्माण कार्य, हर पाया दिखाता आ रहा हूँ। यहाँ आप खड़ा हूँ, मैं देखिए मेरे पीछे ऐसा लग रहा हो मैं रेगिस्तान में हूँ। इन रेतों को देखिए, इस रेत की चमक देखिए, ये रेतीले बालू की चमक देखिए, और इस रेत को देखिए, इस रेत के चमक को देखिए। और दूर दूर तक जहाँ आप निगाह दौड़ाएंगे वहाँ आपको ये रेतीला बालू नज़र आएगा। ये पूरा बेल्ट जहाँ थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नदी है, समझिए मैं नदी के बीच में खड़ा हूँ, और ये रेतीला बालू जो हमारे इधर पश्चिम के जो लोग हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, वो लोग इसे ख़रीदते हैं। और ये अब मैं आ गया सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, ये जो भेजा बकोर ब्रिज जो मैं आपको शुरू से दिखाता हुआ आ रहा हूँ, इसका निर्माण कार्य दिखा रहा हूँ, तो ये जो 13 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसके आखिरी छोर पे मैं पहुँच गया, वहाँ पे ये जो नीचे का हिस्सा है पाया जहाँ पे बन रहा है, तो ये नदी है,
और बारिश अगर हो जाए तो ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। और ये जो पूरब का एरिया है इधर है, ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, यहाँ कभी गाड़ियाँ आती नहीं थी। आज मैं अपनी गाड़ी लेके आया, चारों तरफ जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक ये रेतीले बालू, मतलब ये सब नदी है। मैं नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ ये अद्भुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा। ब्रिज तो आप देख ही रहे हैं, शुरू भेजा से मैंने शुरू किया इस एशिया के नंबर वन ब्रिज के निर्माण कार्य को दिखाते हुए, और मैं अब बकोर पहुंच रहा हूं। तो बीच में ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, और बीच बीच में जहां पे लोकेशन है अब बकोर मैं पहुंचूंगा और ब्रिज का आखिरी छोर आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे इस चैनल पे पूरा ब्रिज ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ भेजा गांव से और बकोर में आके ख़त्म होगा जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ 13 किलोमीटर लंबा भेजा बकोर एशिया का नंबर वन ब्रिज एडीवी न्यूज 7 पे आप देख रहे हैं पूरा नज़ारा, जिसमें दो तीन नदियां मिली जो कभी जलमग्न हुआ करती हैं, अभी भी हो जाएगी बारिश के ज़माने में बरसात में। और मैं लगातार खूबसूरत लोकेशन के साथ संडे स्पेशल में आपको दिखा रहा हूँ, एडीवी न्यूज 7 एक्सक्लूसिव। और देखते जाएं, और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इन्हीं नए नज़ारों के लिए, नई खबरों के लिए उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ से फिर मैं आगे चलता हूँ, अब बकोर का हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है इस ब्रिज का वो निर्माण कार्य आपको दिखाता चलूँ। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो फिर से ये निर्माण कार्य वापस लौट के नहीं आएगा, जो हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक हो जाएगा ये पल। और कभी यहाँ पर सैलानी आएंगे और जो कभी नहीं आता था, जहाँ कभी गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी। और इस एशिया के नंबर वन ब्रिज का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, दो ढाई घंटे से मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कड़ी धूप में, बस आप लोगों के लिए कुछ हैरत अंगेज चीज़, कुछ अच्छी चीज़ और कुछ अद्भुत चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ जिसका हिस्सा है ये ब्रिज। चलते हैं आगे। अब मैं बिल्कुल बकोर पहुंच गया, बकोर के छोर पे हूँ। दूर तक पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये बकोर का नज़ारा है, वो येलो येलो आपको पीला पीला एक नज़ारा दिखेगा, मशीनें लगी हैं, वो बकोर है। और भेजा बकोर ब्रिज के पाए के आखिरी छोर पे मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ एक नदी है, आप मेरे साथ देख सकते हैं इस नदी को, कितनी लंबी चौड़ी नदी है। तीन नदियाँ इस बीच में मिली है, जिसमें दो नदियां पानी से भरी हुई और एक नदी जो सूखा था बिल्कुल, जो बारिश में पूरा भर जाता है, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। बकोर के इस ब्रिज के आखिरी छोर पे बकोर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ ये नाव लगी है, ये बोट है, ये छोटी सी बोट है जिसमें मशीन लगा है, मशीन वाली नाव है, दमकल वाला ये नाव है। इस नाव से लोग इस पार से उस पार मछली का शिकार करते हैं। ये नाव आप लोगों को भी दिखा दूं, ये नाव का नज़ारा, नदी का नज़ारा भी कर लें हमारे साथ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है बकोर का। ये ओवर ब्रिज को मैंने शुरू किया भेजा से, मधुबनी ज़िला के भेजा गांव से मैंने शुरू किया, अब मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बकोर में पहुँच गया, यानी इस एशिया के नंबर वन ब्रिज के आखिरी छोर पे। नदी देखिए, ये नदी, ये नज़ारा, चारों तरफ से जलमग्न, पानी ही पानी, जिसके लिए मशहूर है ये पूरब बेल्ट कोसी एरिया, जहाँ एक समझिए जंगल में मंगल हो रहा है ये ब्रिज बनाकर। ब्रिज बनने के बाद लोग आएंगे दूर दूर से सैलानी, बारिश में तमाशा देखने लायक रहता है यहाँ का नज़ारा, ये तो कुछ नहीं है, बरसात में देखने लायक रहता है ये नज़ारा। तो फ्रंट से मैं दिखा रहा हूँ, बैक से दिखाने की कोशिश करता हूँ तस्वीरें, बैक से तस्वीरें देखिए, ये नज़ारा नदी का, चारों तरफ जलमग्न, ये पाया ब्रिज का पाया है और बकोर का हिस्सा है। इस नदी को क्रॉस करते ही वो सामने बकोर है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये आप देखेंगे वो जो नज़र आ रहा है जगह उस पार, ये बकोर है, मशीनें लगी हुई हैं और काम हो रहा है, कार्य प्रगति पे है।
और मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ तक आप लोगों को ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए पूरा ब्रिज आप लोगों को दिखा रहा हूँ और उस पार से फिर दिखाते हुए आऊँगा। और जो इस ब्रिज का कार्य प्रगति पे है, कार्य हो रहा है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस अब कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा पूरा एरिया। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला भेजा बकोर ब्रिज का पूरा नज़ारा, पानी में देखिए करंट दूर तक देख सकते हैं, वहाँ बांस की जो फट्टी है उसका मूवमेंट देखिए, मूवमेंट देखिए कैसे है, करंट देखिए पानी में कितना करंट है। पानी में वो भंवर, कहीं कहीं कितने किसी इलाके में इसको ढेहू भी बोलते हैं, भंवर है, करंट है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ जगहों में, ससौली वगैरह में इसे ढेहू बोलते हैं, हम लोग इसे भंवर या फिर करंट, हिलकोड़, बहुत तरह से लोग अपनी अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। जहाँ जितनी दूर बढ़े हर 100 किलोमीटर पे लोगों की ज़बान बदलती है। और इस जगह का नज़ारा बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगा, पहले चारों तरफ इस ब्रिज के नीचे वाले पाए, जो ब्रिज पूरा हो जाएगा तो ये पाया निचला हिस्सा होगा, जो अभी नदी है, ये नदी है, ये कार्य प्रगति पे है, पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये बच्चे मज़ा कर रहे हैं, ये बालक लोग और साथ में बड़े लोग भी इस नदी पे, इस छोटे से पुल से ड्राइव मारकर स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। बच्चे लोग स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। देखिए पानी में करंट कितनी है, ये खतरा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी जोखिम लेकर यहाँ के बच्चे जो आदि हैं इन सब पानी में नहाने के, और इस जोखिम को उठा रहे हैं, बच्चे स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हैं। देखिए इन लोगों को देखिए गौर से, ये स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। ये छोटा सा ये पुल है लोहे का, इस पुल से देखिए, इस ब्रिज के नीचे का पाया है, और पाया दिखाता हुआ मैं आ रहा हूँ, बस बकोर पहुँचने वाला हूँ। इस पार ये नदी है, और नदी में काफ़ी करंट है, और तेज़ करंट में लड़के लोग मज़ा कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। अब आगे का हिस्सा दिखाता हूँ, चलता हूँ आगे। स्विमिंग पूल का मज़ा देखिए आप, ये देखिए, ये छलांग देखिए, क्या मज़ा है गर्मी में। गर्मी में इस धारदार बहते हुए पानी, नदी में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। पानी में करंट है, लेकिन ये लोग माहिर तैराक हैं, और इतने माहिर तैराक हैं कि बिल्कुल स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे हैं। वाह वाह जियो, तो ये नज़ारा हमें भी मिला देखने को, और आप दर्शक भी हमारे चैनल पे साथ में देखें, ब्रिज के साथ साथ पानी का नज़ारा, स्विमिंग पूल बना के तैराकी करने वाले इन बच्चों लड़कों का नज़ारा, और इस पानी का, इस रेत का, जो मैं तो पहली बार इधर आया इस पूरब सुदूर क्षेत्र में, गांव ग्रामीण क्षेत्र में, और आप लोग भी मेरे साथ देखें, शायद कभी आए हों या ना आए हों। तो मैं अब बकोर पहुंच गया, भेजा बकोर जो ब्रिज है 13 किलोमीटर का, ये एशिया का नंबर 1 ब्रिज जो निर्माण अधीन है, जिसमें मैंने भेजा से शुरू किया रिपोर्टिंग करना आप लोगों को, हर एक पाया, हर एक निर्माण कार्य, हर एक जो पाया का की खुदाई है, मशीनों से जो काम हो रहा है, और जिस तरह से सेगमेंट सेट किया जा रहा, लगाया जा रहा, सब चीज़ मैंने इसमें बीच बीच में दिखाया, बीच में नदियों को दिखाया, और मैं इस एशिया के नंबर 1 पुल के आखिरी छोर बकोर पहुंच गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मशीनें जो लगी हैं, ये आखिरी छोर है। जिस तरह से शुरू में भेजा में आपने देखा था, डिपो था जहाँ पे मटेरियल था, जहाँ मटेरियल तैयार होता है, वहाँ से काम करने के लिए गाड़ियों में भर भर कर सामान लोड करके पूरे पुल का निर्माण कार्य चलता है, उसी तरह से आखिरी में यहाँ इसी तरह का डिपो बना हुआ है। यहीं पर पूरा प्लांट है, जिस तरह से शुरू में था भेजा में, उसी तरह से बकोर में आखिर में है। इस पुल के बाद ये इंड है, बकोर है मेरे पीछे।
जो 13 किलोमीटर का जो ये एरिया है इस निर्माणाधीन पुल का, ये निर्माणाधीन पुल का जो एरिया है वो एरिया यहाँ समाप्त होता है इस ब्रिज के बाद, जिस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ। ये नदी है, ये ब्रिज है और मेरे पीछे देखें ये पाया बनता हुआ जा रहा है भेजा बकोर ब्रिज का, जिसको मैं शुरू से आपको दिखा रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसका आखिरी हिस्सा है, यह आखिरी छोर है। बस यहाँ तक मैं आप लोगों को सेवा दूंगा। ये निर्माणाधीन ब्रिज जो 13 किलोमीटर लंबा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भेजा से शुरू हुआ और यहाँ आकर के बकोर जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ समाप्त हुआ। और ये पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से शुरू में देखा था आप, डिपो था जहाँ पे सामान मुहैया कराया जाता है ब्रिज के निर्माण के लिए, गिट्टी बालू सीमेंट और मशीनों से तैयारी होती है। ये सारी मशीनें यहाँ पे है, ये पीछे मेरे देखें और मैं आपको फ्रंट कैमरा से सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए ये आखिरी हिस्सा है, मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ, इस ब्रिज पे मैं चलता हूँ और यहीं से मैं आखिरी हिस्सा आपको दिखाकर और यहीं से मैं लौटूंगा अपने घर के लिए। और आप लोगों को एशिया के नंबर वन ब्रिज 13 किलोमीटर लंबा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भेजा से शुरू हुआ और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बकोर में ये समाप्त हुआ। पूरी ब्रिज का निर्माण कार्य जो कि बहुत युद्ध स्तर में प्रगति में है, आप लोगों को एडीबी न्यूज 7 पे एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाएं। ये सारा सेगमेंट यहाँ भी है जैसा कि भेजा में था शुरू में, उसी तरह से यहाँ सेगमेंट है और ये मशीनें जैसा भेजा में शुरू में आपने देखा था, ये आखिरी छोर में भी है। पूरा प्लांट डिपो है, पूरा पूरी तैयारी है, मटेरियल है जहाँ से ब्रिज निर्माण कार्य के लिए सामान यहाँ से मुहैया कराया जाता है। ये गार्ड वगैरह यहाँ पे है हर जगह पे, हर पाया पे, हर बूथ पे, हर 10-5 पाए पे बूथ बना है जहाँ गार्ड लोग हैं। और ये एक ज़माना आएगा जब ये ब्रिज बन जाएगा तो सैलानी यहाँ पे आएंगे दूर दूर से। ये पूरब बेल्ट है जहाँ पश्चिम के लोग बहुत कम आ पाते थे, अब ये बहुत हिस्ट्रिकल हो गया। और हमारे चैनल पे इसका पूरा निर्माण कार्य आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और अब मैं बकोर पहुँच गया और ये एंड है, पुल का आखिरी छोर है और आगे कुछ दूर बच्चे लोगों का कहना है कि थोड़ा सा बचा हुआ है, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। ये ब्रिज के सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह का नज़ारा ऊपर से दिखता है। ये ब्रिज है भेजा बकोर, 13 किलोमीटर लंबा एशिया का नंबर वन ब्रिज जो कि मैंने पूरा फिल्मा के आप लोगों को दिखाया है। और अब आगे ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ और ब्रिज पे चढ़ के आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है ये। ये मैं चढ़ रहा हूँ, ऊंचाई देख सकते हैं आप ब्रिज की, ग्राउंड ज़ीरो से ऊपर का नज़ारा आप देखिए। ये है ये ब्रिज का नज़ारा और मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो शुरुआत है ब्रिज का, शुरुआत है यहाँ से भेजा है और ये शुरुआत है, ये मशीनें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं इसको, पूरे ब्रिज को मैंने कवर किया है अपने चैनल एडीबी न्यूज 7 में। अभी मैं ब्रिज के ऊपर चला आया, अब ब्रिज के ऊपर से न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। ये मशीनें देखिए, ये अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं जिससे नीचे से सेगमेंट को ऊपर लाया जाता है, सेटिंग किया जाता है। ये शुरुआती हिस्सा है जहाँ पे ब्रिज ढलाई हो चुका है और सेगमेंट लग चुका है। इस मशीनों को आप देख सकते हैं मेरे पीछे और कुछ मैं फ्रंट कैमरा से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो तैयार किया हुआ ब्रिज है, नीचे यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप, ये नीचे का हिस्सा देखिए। ब्रिज के ऊपर चढ़ा हूँ मैं और ब्रिज के ऊपर से इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ। ये भेजा बकोर 13 किलोमीटर लंबा
एशिया का नंबर वन ब्रिज, जिसके ऊपर का हिस्सा है जो कुछ दूर बना हुआ है। ये मशीनें ऊपर लगी हुई हैं जो लिफ्ट करती हैं सेगमेंट को, और सेगमेंट को सेटल किया जाता है एक दूसरे में, और ब्रिज को तैयार करने की कोशिश की जाती है, किया जाता है। चारों तरफ से आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ, ये अत्याधुनिक मशीनें। ये नीचे का हिस्सा है ब्रिज का पाया, और अभी पूरा पाया तैयार हो गया है। लगभग मैंने 165-168 पाया जो लगभग है, जो मैंने दिखाया। ये वायर सब है, ये केबल है, इतना मजबूत केबल है कि ये केबल सेगमेंट को जोड़ने के लिए बीच में दिया जाता है। कितना टन लोड इस पर सहने की क्षमता है एक एक वायर में, इसके एक एक केबल में, इतना मजबूत केबल दिया जा रहा है। ये ब्रिज का ऊपरी हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, यहाँ से ब्रिज के नीचे से, जब ये ब्रिज तैयार होगा तो इस ब्रिज से गाड़ी से जब आप जाएंगे तो इस पर से आप क्रॉस करेंगे। अभी ये निर्माण अधीन है, यहाँ से मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये नीचे का हिस्सा है, आप नीचे देख सकते हैं गाड़ी वालों को। और ये भेजा मैंने पूरा कवर कर लिया, भेजा बकोर, और फिर भेजा के शुरुआती दौर की इस मशीन का थोड़ा सा लोकेशन ऊपर चढ़ के ले ले रहा हूँ, जो आप लोगों को ये तस्वीरें देखने को मिले कि ऊपर का नज़ारा कैसा है। अभी पूरा मुकम्मल कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ स्लैब जो सेगमेंट है वो सेट कर दिया गया है मशीन द्वारा। ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, दूर दूर तक देखें। मैंने पूरा ओपन टू एंड रिपोर्टिंग कर लिया है, पूरी मैंने रिपोर्टिंग तैयार कर ली है इस ओवर ब्रिज के निर्माण का। निर्माण कार्य अभी चल रहा है, और पूरे पाए का निर्माणाधीन जितना जो कुछ प्रक्रिया है इसको बनाने में, और जिस जो जो खास बातें हैं, जो खास मशीन है, जो विशेषताएं हैं, सभी चीज़ें मैंने अपने इस चैनल पे, अपने इस रिपोर्टिंग में तैयार किया है। सिर्फ इस मशीन को मैं ऊपर चढ़ के और यहाँ के स्टाफ के मदद से, और ये नीचे का हिस्सा देखिए, ब्रिज का निचला हिस्सा, ये ब्रिज है। ये सारी मशीनें ऊपर तक है, अद्भुत नज़ारा है। तो ये आखिरी छोर है बकोर, जो कि सुपौल ज़िला में मैं पहुंच गया, और इस एशिया के नंबर वन ब्रिज जो भेजा बकोर तक का है 13 किलोमीटर का, ये समाप्त हुआ। ये इंड है, और आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ADB न्यूज़ 7 पे सभी ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।